नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई, अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं एक साउंड बार लेने के लिए, देन आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आपकी बजट है करीबन 5,000 रुपये और अगर आपको 100 वॉट्स के ऊपर वाले साउंड बार की जरूरत है, तो भाई सही वीडियो पे आए हो। प्रोडक्ट थोड़ी पुरानी है पर काम की है। क्यों काम की है, वही मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर ली है क्योंकि मेरे को रिव्यू यूनिट्स मिलते नहीं है, तो मैं खुद अपने पैसे दे करके इन प्रोडक्ट्स को खरीद करके रिव्यू देता हूं आप लोगों को। आपको इसके द्वारा एक अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगी कि मेरी जो रिव्यूज होते हैं वो यूजर रिव्यूज होते हैं, पेड रिव्यूज नहीं होते हैं। तो आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट यूजर एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो से। तो मैंने अनबॉक्स क्यों की, क्योंकि भाई मुझे इंस्टॉलेशन करवाना पड़ा था ज़ेब्रोनिक्स वालों से ही। मैंने ये प्रोडक्ट खरीदे अमेज़न पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। तो इंस्टॉलेशन मैंने इसलिए उन लोगों से करवाया क्योंकि भाई वारंटी का सवाल है, वारंटी वॉइड हो जाता अगर मैं डब्बे को खुद खोल के इसे इंस्टॉल करता। तो इंस्टॉलेशन हो चुकी है, पर मैं आज की वीडियो में आपको इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, वो है इसकी ऑडियो या साउंड क्वालिटी। क्या ये 5,000 रुपए की प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। मार्केट में बहुत सारे साउंड स्पीकर्स है, इनफैक्ट ज़ेब्रोनिक्स के ही बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी है जो 1,000 रुपए ऊपर या 1,000 रुपए कम में भी आपको मिल जाएंगे। तो वाई दिस प्रोडक्ट, तो लेट मी टेल यू ऑल अबाउट इट इन टुडेज वीडियो। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, मैंने साउंड बार क्यों ली। अब मेरी जो टेबल है, जैसे आप डेस्क देख रहे हैं पीछे में, वहां पे स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो मेरे लिए एक ऐसा साउंड बार लेना जरूरी हो गया था जिसकी डायमेंशंस एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में फिट होती है। और इसकी अगर मैं डायमेंशंस के बारे में बात कर लूं, तो दिस फिट्स राइट इन बिटवीन माय टीवी। अगर आप सोच रहे हैं कितनी है इसकी जो लेंथ है, विथ है, ब्रेथ है, क्या साइज है, मैं वो आपको आगे चल करके बताऊंगा अच्छे से नाप करके। तो साइज वॉज डेफिनेटली वन ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स। नंबर टू, इट नीड्स टू बी फीचर रिच। अब देखिए, इसमें नंबर वन तो सारे पोर्ट्स अवेलेबल है जो आपको चाहिए होंगे, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट HDMI आर्क। अगर आप टीवी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आर्क की कनेक्शन आपको मिलेगी। 3.5 mm का पोर्ट है, इनफैक्ट यहाँ पे एक USB-C का भी पोर्ट आपको मिल रहा है, सो दैट्स क्वाइट यूनिक। और अगर कनेक्टिविटी की और अगर हम बात कर लें, तो इसमें ब्लूटूथ 5.0 भी है, तो मैं ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, HDMI आर्क से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। 3.5 mm वाली जो पोर्ट है उसमें एक 3.5 mm की केबल के द्वारा भी इसे कनेक्ट कर सकता हूं। सो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में इट इज प्रिटी सेट। तीसरा रीजन, आई वांटेड अ साउंड बार विच कम्स अलोंग विद अ वूफर एज वेल, लाइक सब वूफर भी मुझे चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे साउंड बार्स, स्पेशली अगर आप 3,500 या 4,000 के भी प्राइस रेंज में देखेंगे, उनमें आपको कभी कभार वूफर मिलेगा, कभी कभार नहीं मिलेगा, और जिनमें वूफर आता भी है प्रोबेबली उनकी जो साउंड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसमें मुझे एक वूफर मिल रहा है, पर द पॉइंट टू नोट हियर इज दैट इट इज नॉट अ वायरलेस सब वूफर, वो आप ध्यान में रखिएगा, बिकॉज बहुत लोगों के दिमाग में इंप्रेशन बैठ जाता है कि अगर वूफर हो तो वायरलेस ही होगा। नहीं, इसमें एक वायर्ड सब वूफर आता है, और वायर्ड सब वूफर का जो साइज है वो काफी मैसिव है इफ यू रियली आस्क मी। एंड इसके कारण ना जो बेस की परफॉर्मेंस है, वो जब मैं ऑडियो ट्रैक्स प्ले करूंगा आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी बेस कितनी अच्छी है through my personal experience, क्योंकि देखिए माइक विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई वॉट दिस परफॉर्मेंस रियली इज, पर मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन देकर के बताऊंगा कि इसकी एक्चुअल में ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो मुझे एक ऐसा साउंड बार चाहिए था जिसमें एक सब वूफर भी आता हूँ। ये हालांकि एक वायर्ड सब वूफर है, पर इसकी जो कनेक्टिविटी है अगेन बहुत ही सिंपल है, जस्ट प्लग इन हो जाती है। आप उस सब वूफर को मैं रेकमेंड करूंगा जमीन पर रखिएगा, टेबल पर मत रखिएगा, क्योंकि टेबल वाइब्रेट होगी, इसकी बेस इतनी स्ट्रांग है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अब बोल सकते हैं चौथी रीजन, आप तो जानते ही हैं, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज नो दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ गेमिंग, तो एंड आई एम आल्सो अ बिग फैन ऑफ RGB बाय द वे। नाउ दिस माइट बी अ लिटिल डिस्ट्रैक्टिंग टू अ फ्यू पीपल, क्योंकि इसकी जो RGB है ना, ब्लिंक होती है, अगर आप पीछे में भी देख रहे होंगे ब्लिंक भी होती है, कलर्स भी आप इसमें सेट कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स आते हैं, जैसे ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, एक रेड भी हो गया, तो आपके हिसाब से आप इसकी कलर सेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, मेरे लिए नहीं था भाई, मेरे लिए आई लव RGB। अगर आप मेरी बैकग्राउंड की सेटिंग भी देखेंगे ना, पूरा मैंने LED पूरा लगा के रखा हुआ है, तो आई वॉन्टेड अ साउंड बार विच हैड सम RGB एलिमेंट्स,
प्लस गेमिंग एलिमेंट्स एज वेल, जो ब्रिंग्स मी टू द फिफ्थ पॉइंट, दिस इज ऑल्सो गेमिंग साउंड बार। तो इसमें आपका ना एक वर्चुअल 5.1 आता है। अब देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियोज में भी कहा है दैट अ वर्चुअल 5.1 सराउंड साउंड विल नेवर बी एबल टू जस्टिफाई अ ट्रू 5.1 सराउंड साउंड। बट प्राइस भी तो देखो यार, ये 5000 रुपए में आ रहा है आपके बच्चों की जान लेंगे। तो दिस इज गिविंग यू अ वर्चुअल 5.1 का सराउंड। तो इसका जो रिमोट है उसमें आपको एक 3D वाला ऑप्शन भी मिलता है, आप उस बटन को दबा करके 3D साउंड पे कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज टेक्निकली अ वर्चुअल 5.1 सराउंड। इसके अलावा इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स भी है, जैसे म्यूजिक मोड विच इज वेरी गुड, न्यूज मोड अगेन प्रीटी यूजफुल, थर्ड इज आपका मूवी मोड, और चौथा हो गया आपका 3D मोड। तो चार जो मोड्स हैं वो आप रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल दी स्पीकर्स आर बिल्ट रियली वेल। नाउ इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, द प्लास्टिक्स यूज्ड, चाहे वो सबवूफर हो, चाहे वो रिमोट हो, चाहे वो इसकी जो स्पीकर्स हो, सब में द प्लास्टिक क्वालिटी इज रिस्पेक्टेबल फॉर द प्राइस पॉइंट। अगेन आई एम मेंशनिंग द प्राइस पॉइंट, 5000 रुपए के नीचे मिली है 499 पे। From that perspective, it's really good. इसकी जो ridges भी जो design में हैं, मुझे काफी attractive लगे। शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि some people like a boxy design. But I like the curves on this. I think it really looks cool. Or the most important thing to me from the design perspective and also from functionality perspective is इसके बीच में अगर आप देखेंगे, notice करेंगे, एक dial है। तो वो dial को ना आप घुमा करके वॉल्यूम को इमीडिएटली घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और वो डायल ही में बटन है। लाइट को ऑन ऑफ करना है, चेंज करना है, इनफैक्ट म्यूट करना है, क्योंकि इसमें माइक भी है, म्यूट भी आप कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स आर रियली रियली ग्रेट, स्पेशली अगर आप इसे अपने PC से कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक कॉल पे हो, म्यूट दबा दिया, आपको वॉल्यूम चेंज करना, आपको रिमोट उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो डायल को ही यूज कर सकते हैं और वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल design features that I found in this soundbar. And please note that जब आप वो volume को बढ़ाते भी है ना, तो इसमें एक RGB light आता है blue color का, वो looks really great. You need to see it in person because it really is that good. I quite enjoyed it. So मैं वही आपको बोलना चाहता हूँ. So these are a few of the reasons as to why I actually ended up purchasing this soundbar. अब देखिए, मैं फटाफट आपको डायमेंशंस बताता हूं और उसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। तो सबसे पहले मैं आपको डायमेंशंस बता दूं, लेट्स मेजर इट, एंड हम एंड टू एंड मेजर करेंगे, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट साइज हियर फ्रॉम दिस एंड हियर, जो सबसे लंबी है, राइट अप टू दिस एंड हियर जो सबसे लंबी है। तो मैं इसे यहां पर रखता हूं ऐसे, और इसे मैं यहां तक लेता हूं। इट इज रफली अराउंड, आप बोल सकते हैं 60 inches. So let me just trap it here. So 60 inch की है इसकी लेंथ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कितना लंबा होगा ये, इट इज अराउंड 60 inches. अब इसकी दूसरी साइज भी देख लेते हैं यहाँ पे, ये कितनी मोटी है। अगर हम यहां से मेशर करते हैं राइट टिल द डायल, तो ये करीबन है आपका 1, 2, 3, 4, करीबन 4 inch की ऐसे चौड़ाई है इसकी, 4 inch की चौड़ाई। और हाइट अगर आप माप करने जाएंगे, मापने जाएंगे, तो हाइट भी देख लेते हैं, इट इज रफली अराउंड 3.5 inches ऑन द टॉप साइड, रफली अराउंड 3.5 inches, सो 3.5 inches की हाइट है अराउंड। आप बोल सकते हैं 3.5 इंचेस की ये डेप्थ भी है, जो ऐसी चौड़ाई है वो भी 3.5 इंचेस का ही है। और फाइनली इसका जो लेंथ है, दैट इज अराउंड 60 इंचेस। लेट मी शो यू द सबवूफर एज वेल वेरी क्विकली। इसका ये साइज हो गया 4.5 इंचेस, आपका ऐसा साइज हो गया आपका 10 इंच, ये रहा आपका 10 इंच। और ऊंचाई अगर हम देखने गए, तो ऊंचाई है अप्रोक्सीमेटली 16.5 की ऊंचाई है। सो दिस इज व्हाट द सबवूफर लुक्स लाइक, एंड अगेन इट इज नॉट अ वायरलेस सबवूफर, इट इज अ वायर्ड सबवूफर। जैसा आप देख रहे हैं यहां पे, ये आपकी जो वायरिंग है ये वाली, दिस गेट्स कनेक्टेड टू द स्पीकर ऑन टॉप। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इसकी साउंड क्वालिटी। अब देखिए, मैंने इसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है वाया ब्लूटूथ।
नाउ द रीजन वाई आई एम सेइंग वाया ब्लूटूथ इज बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता चल जाए कि ब्लूटूथ में कोई लैग वैग आता है क्या डायलॉग में. तो सबसे पहले मैं एक यूट्यूब पे फाइल चला रहा हूँ, आप देखिएगा और खुद ही मुझे बताइएगा कि आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी है. अब मैंने वॉल्यूम को जो है वो 50% पे रखा हुआ है. तो बेस्ट बात तो ये है कि अगर आप कंप्यूटर से भी अगर आप वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे ना, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, देखिए आई मीन इट टेक सम टाइम बट वंस द कंटेंट प्लेस, तो देखिएगा वहाँ पे मैं अगर कंप्यूटर से वॉल्यूम कंट्रोल कर रहा हूँ, आई मीन इसकी जो वॉल्यूम है ऑटोमेटिकली घट रही है बढ़ रही है. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक. उसके अलावा मैं रिमोट से भी वॉल्यूम को बढ़ा सकता हूँ घटा सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है रिमोट उसी के लिए दी हुई है. बट नाउ द बेस्ट थिंग इज़, देखिए अब मैंने माउस पे हाथ नहीं रखा हुआ है, नाउ सिंस इट्स कनेक्टेड वाया ब्लूटूथ व्हाट आई डू इज़ आई क्लिक ऑन दैट प्ले एंड पॉज बटन हियर ऑन द रिमोट, वीडियो चल जाता है. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि क्यों अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप आराम से सोफे पे बैठे हुए हैं और अगर आपको कंप्यूटर में कुछ चीज़ देखना है तो आप उसे प्ले पॉज अपनी साउंड बार के बटन से ही कर सकते हैं. सो है ना ये अच्छी बात. मैं भी चलाता हूँ, मैं आपको दूसरे दूसरे मोड्स की जो ऑडियो क्वालिटी है वो सुनाता हूँ इन डायलॉग, ताकि आपको स्पीच क्लैरिटी पता चल जाए. तो मैं अब माइक को स्पीकर के थोड़े से सामने रखता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी एक्चुअली में कैसी है. सो लेट्स डू दैट. तो आप बेस और ट्रेबल को भी कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ वॉल्यूम को बढ़ाता हूं. Very good. Such swordsmanship will serve you well in the field. But can the same be said of your spellcraft? The flames of the phoenix burn within you. Now let them burn without. Come, Clive. Rain fire down upon me. At all. Have you so little faith in your own men? तो मैं बस बताना चाहता हूँ कि कोई भी लैग नहीं है. आपको ब्लूटूथ से भी अगर आप चलाएंगे आपको कोई लैग नहीं दिखेगा. दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये अभी म्यूजिक मोड पे था, अब मैं इसे न्यूज मोड पे रखता हूँ. बताते हैं न्यूज मोड, अब वापस चलाता हूँ इसे. It was the Dalmeks who drove back the Crusaders in the Battle of the Twin Realms, was it not? Or am I mistaken? Besides, your dominant has yet to take the field. And when he does, our knights would only get in the way. अब मैं अब चलाता हूँ इसे मूवी मोड पे. Movie. बोलता भी है मूवी मोड. So let's play this again. Perhaps you have not heard, but the Iron Blood now have their own dominant. We would be fools to underestimate them. Bugger their knights. What did you say? Should this citadel be allowed to fall, the capital will lie exposed. Movie में जैसी डालते हैं ना, इसकी जो speech की clarity है, audio की जो clarity and plus the bass. इट इज़ फिनॉमिनल फॉर दिस प्राइस पॉइंट, मैं वो आपको बता सकता हूँ. अब मैं फाइनली 3D मोड पे डालता हूँ. 3D मोड पे हो गया है एंड आई ट्राई टू फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे आई डाउट द क्रूसेडर्स विल वेट फॉर द गुड किंग्स पॉन्स टू लाइन अप बिफोर टेकिंग टू द बोर्ड. मैं थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट्स वाला जो एक्शन वाला सीन डालता हूँ. Thank you.
मैन इट इज़ एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग. इतना लाउड है कि मेरी जो फ्लोरिंग है वो भी वाइब्रेट हो रही है, खिड़की वाइब्रेट हो रही है, टेबल वेबल्स में भी वाइब्रेशन हो रहा है. सो आई वॉन्ट प्ले इट दैट लॉन्ग. अब मैं यही बोल सकता हूँ आपको, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है इन द मूवी मोड, स्पेशली अगर आप नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं कंटेंट, यूट्यूब पे देख रहे हैं, यू विल बी मोर देन सेटिस्फाइड, मोर देन हैप्पी. और ऐसा नहीं कि घटिया ऑडियो फिडेलिटी है, आई मीन ऑडियो फिडेलिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस, ब्रिलियंट. नाउ डोंट एक्सपेक्ट अ हार्मन कार्डन क्वालिटी फ्रॉम दिस, क्योंकि हार्मन कार्डन की अगर आप ओनिक्स भी लेने जाएंगे फॉर इंस्टेंस, वो करीबन 18-20 हज़ार रुपये का मिलेगा आज के रेट में. तो आप उससे तो इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं. 5,000 रुपये के रेट में दिस मोर देन जस्टिफाइज दी क्वालिटी. अब मैं फाइनली अपनी एक म्यूजिक ट्रैक चलाता हूँ और इसे म्यूजिक में ही रखता हूँ. न्यूज था ये तो म्यूजिक मोड. अब मैं अपनी एक ट्रैक चला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आई एम ट्राइंग टू प्रमोट माई म्यूजिक, आई एम ओनली प्लेइंग माई ट्रैक बिकॉज कॉपीराइट इशू हो जाता है यार वरना. और अगर आपको ये गाना अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिएगा गाना सही था नहीं था. ये मेरी खुद की कॉम्पोजिशन है, मैं गाने भी बनाता हूँ. एप्पल म्यूजिक पे, प्राइम म्यूजिक में आप जा करके मेरे गाने भी चेकआउट कर सकते हैं. तो लेट्स प्ले दिस म्यूजिक ट्रैक और आपको पता चल जाएगा कि इसकी बेस वेस कैसी है और जो वोकल्स हैं वो भी कितने निखर करके इसमें आते हैं. बट आप बेस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं. यहां पे मैं बेस को बीच में रख रहा हूं, ट्रेबल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं. तेरा शर्माना मैन, मैं बोल रहा हूँ आपको ये जो बेस है, आई हैव केप्ट इट रियली क्लोज टू माई टेबल, इट इज़ मेकिंग माई होल टेबल वाइब्रेट. सो द बेस इज़ रियली पावरफुल. आई वुड नॉट रिकमेंड कीपिंग इट एट मोर देन 80% वॉल्यूम, क्योंकि अगर आपके टेबल इतनी स्ट्रांग नहीं है ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आवाज़ फट रही है. एक्चुअली मैं आवाज़ नहीं फट रही है, आई एम इन टू म्यूजिक एंड आई अंडरस्टैंड अकूस्टिक्स. सो द इशू इज़ नॉट कि आवाज़ फट रही है, द इशू इज़ द टेबल इज़ नॉट एबल टू सपोर्ट इट. और नीचे भी मैंने सबवूफर ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे इट इज़ हिटिंग बैक, जो दीवार है अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट्स है, तो उसके कारण मैंने बेस को ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे द ऑडियो इज़ हिटिंग द वॉल एंड कमिंग बैक, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. सो उसके कारण ना थोड़ा सा वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है, बट दिस इज़ सुपर लाउड, नंबर वन. नंबर टू, इसकी जो ऑडियो सिग्नेचर है लाइक मिड्स, बेस एंड हाइज, दे आर वेरी बैलेंस्ड. आई रियली लाइक दैट अबाउट इट. एंड द ब्यूटी इज कि आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं रिमोट में, बेस और ट्रेबल के ऑप्शंस हैं. तो आपको अगर बेस और ट्रेबल कंट्रोल करना है आप कर लीजिए आराम से, आपके ऊपर है. अलग अलग मोड है, म्यूजिक, न्यूज़, मूवी, 3D, वो भी आप चला करके इसे ऑप्टिमम एक्सपीरियंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. पर वॉट इज़ माई फाइनल ओपिनियन अबाउट दिस ज़ेप्सोनिक साउंडबार 100? पूरा पैसा वसूल प्रोडक्ट है भाई. 5,000 रुपये के नीचे ना आँख बंद करके आप ले सकते हैं. गेमिंग भी अगर आप करेंगे ना, फैंटास्टिक आपका एक्सपीरियंस होने वाला है. अगर आपने वो गेमिंग क्लिप देखी होगी जो पीछे में मैंने चलाई थी थोड़े टाइम के लिए, जो वो पार्टिकल्स थे ना, आइस पार्टिकल्स, वो जो टिमटिमा रहे थे, उसकी पूरी जो क्लैरिटी है वो मुझे सुनाई दे रही थी स्पीकर्स के द्वारा. अब माइक माइट नॉट हैव बीन एबल टू पिक इट अप एज क्लियरली एज आई कुड हियर इट, बट ट्रस्ट मी गाइस, बिलो 5,000 रुपीज़ दिस इज़ अ पूरा फुल टू पैसा वसूल प्रोडक्ट.
एंड आई कैन ईजिली रिकमेंडेड. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं. आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे बाई क्लिकिंग ऑन दैट लिंक एंड परचेसिंग दिस. एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाई क्लिकिंग ऑन दैट लाइक बटन, क्लिकिंग ऑन दैट सब्सक्राइब और ऑल्सो दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूँ आपको पता चल जाएगा कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.